आईपीएल के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर एसआरएच ने एक बार फिर से खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा। एक टी20 मैच में बने 550 के करीब रन और सबसे ज्यादा बाउंड्रीज भी लगी। भाई ये मैच था या बैट्समैन बस अपनी बैटिंग प्रैक्टिस करने आए थे? डिटेल में बात करते हैं इस मैच की एसआरएच वर्सेस आरसीबी द फ्रेंडली पिच पे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आरन भला। सबसे पहले तो यार आप सब लोग अपने आप से पूछो, क्या आपको मजा आ रहा है ये सब मैचेस देखकर? क्योंकि अगर ऑनेस्टली आप मेरे से पूछोगे ना, मेरे को नहीं आ रहा यार, इतने ज्यादा रन बन रहे, क्या हो रहा है ये? मतलब 287 इन अ टी20 मैच, आर यू सीरियस? क्रिकेट तो बैट और बॉल का गेम होता था ना, तो ये क्या हो रहा है अब? सिर्फ बैट वर्सेस बैट का गेम रह गया कि कौन ज्यादा रन मारेगा, बस यही गेम है। बॉलर्स का कोई काम ही नहीं है, बस आओ बॉलिंग करो, छक्के खाओ और जाओ, बस यही कंपटीशन रह गया कि कौन सी टीम ज्यादा छक्के मारेगी। 550 रन एक टी20 मैच में, एक टीम वहां 287 बनाती है, दूसरी उसके जवाब में 262 बना रहती है। भाई ये ओडीआई का मैच चल रहा है क्या? एक टाइम पे ये ओडीआई के स्कोर्स हुआ करते थे। मतलब ठीक है बाउंड्रीज लग रही है, मजा आता है देखने में, पर एक हद होती है ना। यही थोड़ी ना कि हर बॉल पे बाउंड्री ही लग रही है, डॉट बॉल हो ही नहीं रही। और मतलब बॉलर करे तो क्या, बस पहले ओवर से आए और जोर कर डाले, क्योंकि पिच में कुछ है नहीं, पिच बिल्कुल फ्लैट है, तो बॉलर तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब सामने वाला बैट्समैन हर बॉल ही उसको घुमाएगा तो उसको रन पड़ेंगे ही पड़ेंगे ना। बॉलर बस बचने को जाए पहली बॉल से, विकेट्स का सोचे ही ना। और 8 नंबर तक बैटिंग हो चुकी है, इंपैक्ट प्लेयर का रूल आया हुआ है, तो बैट्समैन को तो कोई डर है ही ना, तो वो तो बिंदास होकर बस बैट घुमा रहा है। अगर बॉल लगेगी तो बाउंड्री जाएगी, वरना बीट हो जाएगा, वरना अगली बॉल फिर घुमाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक टाइम पे तो 280 चेज होना भी नॉर्मल हो जाएगा, जैसा हिसाब चल रहा है। 280 बनना तो नॉर्मल ऑलमोस्ट हो ही चुका है, 270 चार बार बन चुके हैं इस सीजन में। और उस दिन एसआरएच मुंबई में, मुंबई ने जवाब में कुछ 246 बना दिए थे, आज आरसीबी ने 262 बना दी, तो क्या चल रहा है ये? ये तो रेयर इवेंट्स हुआ करते थे ना कि 260 बना दी एक टीम ने, बहुत ही बड़ी बात हो गई। 2013 से लेकर अब तक 11 सीजन हो चुके हैं, 11 सीजन तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा था, और इस बार 4-5 बार वो रिकॉर्ड टूट चुका है एसआरएच ने। अभी कुछ मैचेस पहले 277 का हाईएस्ट बनाया था, अब आज फिर खुद ही उन्होंने अपना रिकॉर्ड टूट दिया, 287 बना दिया। अब कुछ दिनों बाद तो वो 300 बना देंगे, क्या चल रहा है भाई ये? ट्रेविस हेड ने 37 बॉल में 100 बनाई, 37 बॉल 100, मजाक थोड़ी ना है भाई। क्रिकेट में वो बैट और बॉल का कॉन्टेस्ट कहाँ चला गया? थोड़ा सा मैच की बात करते हैं स्टार्ट से। आरसीबी ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया, क्योंकि ऑब्वियसली चिन्नस्वामी भी ग्राउंड है, फ्लैट पिच है, छोटा ग्राउंड है, तो आप चेस करना पसंद करते हो। पर जैसे ये सब मैचेस जा रहे हैं ना, आप देखना कुछ टाइम बाद टीम्स ऐसे ग्राउंड्स पर ना पहले बैटिंग करना पसंद करेंगी। क्यों? क्योंकि यू कैन बैट द अदर टीम आउट ऑफ द गेम। आप पहले बैटिंग करो, 270-80 बना दो, तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल कि दूसरी टीम 270-80 बनाएगी। 9 out of 10 टाइम्स वो नहीं ही बना पाएगी, जितना मर्जी छोटा ग्राउंड हो, क्योंकि वो स्कोरबोर्ड का प्रेशर है ना यहाँ पे, तो इस कारण 280 कभी चेस बहुत ही मुश्किल से होंगे। तो इस कारण अब आगे यही देखने को मिलेगा हमें। पहले हम देखते थे कि अगर छोटा ग्राउंड है, फ्लैट पिचेज हैं, तो प्लेयर्स पसंद करते हैं कि हम चेस करते हैं, हमें टारगेट पता होगा तो आराम से चेस हो जाएगा, अगर 200 रन भी बनाने होंगे तो चेस हो जाएगा। पर अब बात जहाँ 200 की नहीं हो रही, 200 तो बहुत खराब स्कोर है ऐसी पिचेस पे। टॉस में ही पैट कमिंस ने कह दिया था कि इस पिच पे देखकर तो लग रहा है 240 पार स्कोर है, तो तब सब उन पे हंस रहे थे कि अरे क्या बोल रहा है 240, ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है ज़्यादा, 240 थोड़ी ना बनेंगे। तो उन्होंने 287 बनाए, उसके जवाब में 262 बना दिया आरसीबी ने, तो बिल्कुल सही बात बोली थी भाई पैट कमिंस ने। पैट कमिंस भाई भगवान है कि क्या है, कैसे पता है उसे सब? मतलब 262 वॉज द मिनिमम स्कोर दैट अ टीम में, 262 बना के एक टीम मैच हार गई, लेट दैट सिंक इन। आप समझ रहे हो गहराई, हमारा क्रिकेट कहाँ जा रहा है, टी20 क्रिकेट किस डायरेक्शन में जा रहा है? और अब ना मुझे समझ आ रहा है कि हमारे पापा, हमारे अंकल लोग क्यों क्रिकेट से थोड़ा सा दूर हो गए, और उन्होंने क्रिकेट देखना बंद कर दिया, उनका इंटरेस्ट क्यों चला गया? क्योंकि जैसे जैसे वो बड़े होते रहते हैं ना, स्पोर्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, बहुत अलग तरीके से चलने लग जाता है, और तब हमारा वो कनेक्शन टूट जाता है। जैसे कि अब मैं पर्सनली अपनी बात करूं, अब मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है ये सीज़न आईपीएल में देख के, क्योंकि इतने रन्स बन रहे हैं, मैंने मैचेस देखे हैं 150-160 वाले, तो इस कारण मेरे को वो मैचेस ज़्यादा पसंद आते हैं, और अब वो मुझे नहीं देखने को मिल रहे, तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है, और ये कम ही होता जाएगा। पर फिर नई ऑडियंस आ जाती है, उन्हें यही चीज़ें पसंद आती है, सो द साइकिल गोज ऑन। बट यू कैन अंडरस्टैंड वाई अवर एल्डर्स स्टॉप्ड वॉचिंग क्रिकेट एट सम पॉइंट ऑफ देयर टाइम इन देयर लाइफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पोर्ट चेंज हो गया था। एक टाइम था ओडीआई में जब 300 रन वॉज क्लियर, कि 300 रन बना दिए तो आप पक्का ही मैच जीत जाओगे, और अब ऐसा हो चुका है ओडीआई में कि 300 रन पे तो आराम से ही चेज हो जाते हैं, है ना? तो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट ओडीआई का चेंज हुआ, और अब हमारे सामने हमें दिख रहा है टी20 कितना फास्ट चेंज हो रहा है यार।
250 बन रहे हैं, अगले आने वाले कुछ सीजन में तो 250 चेज होने लग जाएंगे। एक टाइम आएगा जब 250 अबव एवरेज स्कोर होने लग जाएगा, बस कि 250 बने तो ठीक है, 50-50 मैच होगा। जैसा T20 क्रिकेट चल रहा है ऐसा ही होगा। पर इसमें मुझे बस ये चीज़ नहीं पसंद आ रही कि भाई बॉलर्स का तो खत्म ही हो गया ना ये स्पोर्ट, ये फॉर्मेट तो एटलीस्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। बॉलर आए और बस पिटे, यही काम है क्या उसका भाई? वो कहाँ गया वो टाइम जब हमें, हम याद करते हैं कि MS धोनी के लिए फील्ड लगाई थी गौतम गंभीर ने, सब प्लेयर्स को आगे बुलाया, प्रेशर डाला, तब उनको आउट किया। एक बार मेरे को याद आता है कोई T20 वर्ल्ड कप का मैच था, श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, तो रंगना हैरत बॉलिंग कर रहे थे, तो मकलम की तब बहुत हाइप हुआ करती थी, तब उन्होंने श्रीलंका ने सिली पॉइंट लगाया था, शॉर्ट लेग लगाया था, ये सब प्रेशर बना के ब्रेंडन मकलम को 5 डॉट बॉल जल्दी और 6वीं पे वो अपना स्टंप आउट हो गए। तो ये सब एस्पेक्ट्स कहाँ गई भाई क्रिकेट के, कि जब आप प्रेशर बनाते हो बैट्समैन ने। T20 में तो भी यही होता था कि बैट्समैन आता है, आप उसको अच्छी बॉल्स डालते हो, वो थोड़ा सा सेट होता है, उसको थोड़ा सा प्रेशर आता है, फिर वो एक दो बाउंड्री मारता है, फिर उसके बाद अगर वो सेट हो जाता है तो वो बड़ी पारी खेलता है, और बैट्समैन बॉलर फिर बचने को जाता है जब बैट्समैन सेट हो जाता है। ये नहीं कि बैट्समैन आएगा पहली बॉल ही बॉलर ये सोच रहा है मैं बचूं कैसे, क्योंकि पिच में कुछ है नहीं, वो कुछ कर सकता नहीं है, तो या अगर वो पेसर है तो वो यॉर्कर की ट्राई करेगा। अब हर बॉलर तो यॉर्कर नहीं डाल सकता ना, और जो बैट्समैन जो दूसरे होते हैं जो पहली बॉल से नहीं मार सकते आके भाई, होते हैं बहुत सारे बैट्समैन, हर बैट्समैन पावर हिटर नहीं होता। पर जैसा ये फॉर्मेट चल रहा है कुछ टाइम में बस पावर हिटर्स का ही गेम बचेगा T20 फॉर्मेट तो, एटलीस्ट कि बस आओ घुमाओ, अगर आपकी टेक्निक अच्छी है कुछ लेना देना नहीं, बस बैट घुमाओ, अगर नहीं हो रहा तो जाओ, 8 तक बैटिंग है हमारे पास, क्या करने हैं इतने बैट्समैन। और वही हमें दिख रहा है, ट्रैविस हेड 39 बॉल 100 बना रहे हैं, क्लासिन आके 30 बॉल में 67 कुछ बना रहे हैं, अब्दुल समद एंड में 9-10 बॉल में 40 के आसपास 37 बना रहे हैं 10 बॉल्स में। तो भाई मतलब चल क्या रहा है ये? तो चलो हमने ये भी मान लिया एक बार कि RCB की बॉलिंग खराब है, उन्होंने बना दिया SRH की बैटिंग बहुत ही अच्छी है, फिर SRH बॉलिंग करनी आती है, SRH की बॉलिंग तो ठीक है ना, भुवनेश्वर कुमार है, नटराजन है, पैट कमिंस है, मयंक मार्कंडे है, उनकी बॉलिंग तो ठीक है ना, तो RCB ने 262 बनाए, आराम से बना दिए, मतलब ठीक है उनका स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, विराट ने अच्छी बैटिंग करी स्टार्टिंग में, डुप्लेसिस ने बनाए, दे गॉट टू अ फ्लाइंग स्टार्ट, उसके बाद तो आउट हुए ना, देवर अराउंड 100 पे 5 हो गए थे जितना मुझे याद आ रहा है, उसके बाद भी उन्होंने 262 बना दिए। तो मतलब अब कितना बॉलर्स को ही दोष देते रहोगे कि बॉलर्स की गलती है इस कारण इतने रन बन रहे हैं? नहीं भाई, ये फॉर्मेट पूरा सूट ही नहीं कर रहा, बॉलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, अगर हम इतना ही स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, कि वाइड्स का क्या रूल है भाई, कुछ क्लियर करो ना। इतना हम आजकल देख रहे हैं कि बॉलर बॉल डालता है, अंपायर उसे वाइड दे देता है, फिर वो रिव्यू लेते हैं, इतने ज़्यादा रिव्यूज़ हो रहे हैं वाइड के, तो एग्जैक्ट क्या रूल है? मतलब मेरे को तो कई बार देख के समझ नहीं आता कि कभी कभी अंपायर थर्ड अंपायर वाइड इसे दे रहा है, कभी नहीं दे रहा, अगर वो लाइन से बॉल इधर भी होती है तो। एग्जैक्ट रूल वैसे जितना मुझे पता है वो ये है कि अगर बैट्समैन बॉल रिलीज होने से पहले अपनी मतलब ऑफ स्टंप की तरफ चल के आता है तो उसकी जो वाइड वाली लाइन है वो भी दूर हो जाएगी। बट कई केसेस में मेरे को लगा ये वो फॉलो नहीं कर रहे अच्छे से, कई बार बॉल बैट के नीचे से भी जा रही है पर वो लाइन से इधर है क्योंकि बैट्समैन ऑफ स्टंप के बाहर आ चुका है, पर उसे वाइड दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो लाइन से इधर है। तो मेरे को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, अगर आपको इसके बारे में पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, पर मेरे को इसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही कि यार एग्जैक्ट रूल है क्या आखिर वाइड का, कि कब वाइड दे रहे हो कब वाइड नहीं दे रहे हो। या तो आप फिक्स कर लो कि लाइन ही वाइड है, बैट्समैन जो मर्जी इधर उधर कर ले। अब ये पता भी कैसे लगाओगे यार कि अगर बैट्समैन थोड़ा सा इधर हो गया तो आप वो लाइन को किस हिसाब से इतना एक्यूरेटली इधर करोगे? अब चलो ठीक है ये मैचेस तो लास्ट बॉल तक इतना क्लोज नहीं जा रहे, बट कई मैचेस में होगा कि एक बॉल में 2 रन चाहिए होंगे तब एक ऐसी वाइड हो जाएगी, फिर आप उसे वाइड दो ना दो तो तब होगी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। तो इससे अच्छा है अभी आप कुछ क्लियर रूल बता दो लोगों को कि ऐसे होता है, या कुछ क्लियर बनाओ सेट ऑफ रूल्स कि हम इसके बेसिस पे वाइड दे रहे हैं इसके बेसिस पे वाइड नहीं दे रहे। आपको एक मैच याद होगा बहुत फेमस याद है, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स 2014 क्वालिफायर 2, वो मैच में पंजाब ने 226 बनाए थे आई गेस, वरिंदर सहवाग ने सेंचुरी मारी थी और उसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 रन से मैच हार गई थी। वो मैच हमें क्यों याद है? क्योंकि उसमें सुरेश रैना ने 25 बॉल में 87 रन बनाए थे। तो वो कितना आप समझ रहे हो कितनी अच्छी मेमोरी है हमें, अच्छे से वो याद है कि सुरेश रैना ने क्या ही कमाल की इनिंग्स खेली थी 25 बॉल में 87। अगर वो उस दिन नॉट आउट रहते तो शायद CSK मैच जीत जाती, ये हो जाता वो हो जाता, अगर मकलम उनको रनआउट नहीं करवाते। मतलब लोग अभी भी जो प्रॉपर फैंस है CSK के फैंस देखोगे अभी भी उस मैच की बात करते हैं कि शायद उस दिन रैना थोड़ा सा और खेल जाता तो आज तक की फास्टेस्ट 100 बन जाती और हम वो मैच जीत जाते, 226 चेज हो जाते, कितनी ही बड़ी बात हो जाती, क्योंकि वो है बड़ी बात, 226 ही थे, हम उसको भी इतनी बड़ी बात बना रहे हैं। और अब देखो अब 260 बन रहे हैं, और मैं पक्का बता रहा हूँ आज से 2 साल बाद आपको ये मैच याद भी नहीं रहेगा,
क्योंकि उसमें कुछ मेमोरेबल है ही नहीं। जब रैना ने मारे थे 87, तब वो एक इवेंट था, एक बड़ा इवेंट था। रैना ने अपनी पूरी स्किल यूज करके बनाया था, अच्छी पिच थी, मुश्किल पिच थी, ऐसे भी नहीं कि बिल्कुल ही फ्लैट पिच है, ठीक है, मतलब ठीक है तब भी फ्लैट पिचेस होती थी, पर ऐसी नहीं होती थी। अब आप देख रहे हो कोई भी 30 बॉल में 80 बना देगा ना, आपको याद भी नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉर्मल हो गया है, कुछ भी रेयर इवेंट बचा ही नहीं इसमें। वो क्यों नहीं बचा, क्योंकि हर बैट्समैन ही आके मार रहा है, पहली बॉल से मार रहा है, वो पिचेस बिल्कुल ही फ्लैट है, छोटे ग्राउंड हो चुके हैं, इंपैक्ट प्लेयर का रूल है, कोई प्रेशर नहीं है, तो इतना ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं ये सब चीज़ें कि वो जो खासियत होती थी ना कुछ कुछ मोमेंट्स की, कुछ कुछ मैचेस जो हमें पूरी लाइफ पर याद रहेंगे, वो खत्म हो चुकी है। अब आईपीएल का हर मैच जस्ट अनदर मैच हो चुका है। चाहे ये मैच में आज तक सबसे ज़्यादा T20 में रन बने 549 रन बने दोनों टीम्स के मिला के, आज तक किसी भी T20 मैच में, आईपीएल मैच नहीं T20 मैच में इतने रन नहीं बने, मतलब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं हो रहा। जब आरसीबी ने 263 बनाए थे तब क्रिस गेल ने 175 बनाए थे, दैट वॉज अ रेयर इवेंट कि एक बंदे ने कुछ बहुत ही कमाल कर दिया तो 263 बने। आप आज के टाइम में देखो कि SRH ने खुद 3-4 बार बना दिए 270, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको अभी याद नहीं आएगा कौन से मैच में कौन से प्लेयर ने कितने बनाए थे, कैसे बन गए 270, बस बन गए यार सबने मिलकर बना दिए हमारे। तो इतना ज़्यादा कैजुअली होने लग गया है ये, इस चीज़ से मुझे दिक्कत है। ये दिक्कत नहीं है 270 बन रहे हैं, ठीक है यार बने, वंस इन अ टाइम अच्छा लगता है, पर वो दिखे ना कि जब 270 बन रहे हैं तब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ जो बन गए। अब तो ऐसा हो गया है कि बॉलर्स के लिए कुछ है ही नहीं तो 270 तो बनेंगे ही ना, बैट्समैन आएगा बैट घुमाएगा, पिच में कुछ है नहीं, ग्राउंड छोटा है तो रन तो बनेंगे ही, इस चीज़ से दिक्कत है यार मुझे। और मेरे को पता है मेरे जैसे जो और भी फैंस होंगे जो बहुत क्लोजली क्रिकेट देखते हैं, कैजुअल वॉचर्स की बात नहीं कर रहा मैं, जो मेरी ये एनालिसिस वाली वीडियो देख रहे हैं वो तो पक्का अच्छे से प्रॉपर फैंस ही हैं और कोई नहीं देखता एनालिसिस की वीडियो, तो आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि वो जो कनेक्ट होता, वो जो मज़ा होता है ना क्रिकेट का, जब बैट और बॉल के बीच का कॉन्टेस्ट खत्म हो जाए यार, तो क्रिकेट का सेंस ही क्या रह गया। आपको वो मैच में याद होगा एक टाइम था जब SRH बहुत फेमस हुआ करती थी डिफेंड करने के लिए, लो से लो स्कोर भी डिफेंड कर लेते थे, उनकी इतनी अच्छी बॉलिंग थी। एक बार मेरे को याद है हैदराबाद ने 118 रन ही बनाए थे कुछ, और उन्होंने मुंबई इंडियंस को 87 पे ऑल आउट कर दिया था, तो वो उन्होंने डिफेंड किया था, तो ये याद रहता है, क्या हैरान हो जाते हैं ना हम कि अरे भाई क्या ही कर दिया SRH ने, तो अगले दिन स्कूल में जाके बातें किया करते थे कि अरे SRH ने डिफेंड कर लिया, मतलब मज़ा आता था यार क्रिकेट का कि अच्छा आज तो बॉलर्स ने कमाल कर दिया। अब इस मैच में मैं लिटरली बात ही नहीं कर सकता बॉलर्स की, क्योंकि हर बॉलर पिटा है, कुछ है ही नहीं कि मैं बात करूं कि इस बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी, नहीं भाई बॉलर का बस काम ये है कि वो आए यॉर्कर डालने की कोशिश करे, अगर यॉर्कर डालती है तो डॉट बॉल होगी, तो अगली बॉल पे छक्का पड़ेगा, वरना उसी बॉल पे छक्का पड़ जाएगा, बस इतना ही बॉलर्स का काम रह गया है और कुछ भी नहीं। नाउ इट्स अ बैट वर्सेस बैट गेम, नॉट अ बैट वर्सेस बॉल गेम। खैर मैच पे आते हैं, मैच में मेरे को RCB की तरफ से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ये दिखा कि जब SRH ने 287 बना दिए थे तब मेरे को लग रहा था कि RCB 120-130 पे ऑल आउट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी आती रन बनाने की, और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस उनका ख़त्म हो जाएगा और ये टूर्नामेंट उनके लिए बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। पर एक अच्छी चीज़ रही कि उन्होंने आके अच्छा स्टार्ट किया, डुप्लेसिस और कोहली ने मिलकर आई गए 7-8 ओवर में 100 रन हो गए थे उनके, तो वो दोनों आउट हो गए, उसके बाद भी काफ़ी सौरभ चौहान आए वो भी आउट हो गए, मैक्सवेल नहीं खेल रहे थे क्योंकि मैक्सवेल के पिछले मैच में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी फील्डिंग करते हुए, वो नहीं खेल रहे थे, कैमरन ग्रीन तो वैसे ही ड्रॉप्ड थे, सौरभ चौहान खेल रहे थे, विल जैक्स खेल रहे थे, ये जल्दी आउट हो जाते हैं, सौरभ चौहान तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, विल जैक्स रन आउट हो जाते हैं, तो आई गेस देवर अराउंड 110 for 5। लेकिन तब आते हैं दिनेश कार्तिक, और दिनेश कार्तिक जैसे अभी बैटिंग कर रहे हैं ना, तो T20 वर्ल्ड कप है जून में, मेरे को तो बहुत ही पक्का दिखने लग गया है कि वो वहाँ पर जा रहे हैं एज अ विकेट कीपर फिनिशर, क्योंकि इंडिया को ज़रूरत है एक विकेट कीपर फिनिशर बैट्समैन की, और इस टाइम पे इंडिया में उनसे अच्छा ये रोल कोई नहीं निभा रहा, तो दे आर वेरी वेरी गुड चांसेस कि दिनेश कार्तिक वर्ल्ड कप खेलेंगे T20 का। और भाई क्या बैटिंग करी, क्यों नहीं खेलना चाहिए उन्हें भाई, वो रिवर्स छक्के मार रहे हैं, रिवर्स स्वीप पे डिल्स को पता नहीं क्या क्या शॉट्स मार रहे हैं, एंड ही मेड्स अराउंड 83 of 35 बॉल्स, वहाँ पर उन्होंने 100 मिस करी, और RCB बस 25 रन से मैच हारी आफ्टर दे कंसीडेड 287, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, बल्कि RCB सेकेंड इनिंग्स के बाद ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी, खुश हो रही होगी, चाहे हम मैच ज़रूर हार गए लेकिन उनको अच्छा लग रहा होगा कि भाई हमारी टीम में भी दम है, हम जीत सकते हैं आगे मैचेस। तो जहां मुझे लग रहा था कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही गिर जाएगा इस मैच के बाद, कि अगर वो 120-130 पे ऑल आउट हो जाएगी, 160 रन से मैच हार जाएगी T20 का, तो वो बिल्कुल ही गिर जाएंगे यार कि क्या ही बचा है, अगले साल देखते हैं ये टूर्नामेंट तो ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिनेश कार्तिक ने ये नहीं होने दिया और उन्होंने बस 25 रन से मैच हराया, लेकिन उससे भी बड़ी बात उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारी टीम में भी कुछ है, अपनी ही टीम को उन्होंने स्टेटमेंट दी कि तुम सब भी जोर लगाओ तो हम अगला मैच जीतेंगे, विच वॉज रियली रियली गुड टू सी। अब RCB 7 में से 6 मैच हार जरूर चुकी है,
लेकिन एटलीस्ट बैटिंग में तो वो कॉन्फिडेंट फील करेंगी। और वहीं SRH 6 में से 4 मैच जीत चुके हैं, दे आर लुकिंग रियली रियली डेंजरस। टॉप 4 जो मुझे लग रहे हैं वो वही होने वाले हैं जो अभी के टॉप 4 हैं, और ऑर्डर भी यही होने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, कि RR, KKR, CSK, SRH। बाकी देखते हैं, अभी ऑलमोस्ट हाफ टूर्नामेंट ही हुआ है, अभी पड़ा है काफ़ी ज़्यादा टूर्नामेंट, तो हो सकता है कुछ एक टीम नीचे से बहुत ही ज़्यादा ऊपर आ जाए, कोई ऊपर वाली बिल्कुल ही गिर जाए। पर जैसा अभी तक चल रहा है प्लेयर्स की फॉर्म देखते हुए, मुझे तो यही टॉप 4 नज़र आ रहे हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो बताओ यार कमेंट में, जब तक हम ऐसा कनेक्ट नहीं करेंगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी। तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि क्या आप एग्री करते हो मेरी बात से, और अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते। फीडबैक भी देना यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज पे हैं। इस वीडियो में इतना ही, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।